अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ए न्यू सब्जेक्ट ऑफ योर सेकंड सेमेस्टर ऑफ योर एमएस मैनेजमेंट साइंसेस। एंड दिस कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी रेलेवेंट टू योर प्रोग्राम और योर डिसिप्लिन। एंड बिसाइड्स, लेट मी add it that consumer behavior is relevant to different subjects. We can say it is a blend of different subjects like marketing, like psychology, like behavioral other subjects like social psychology. So it is very important and very relevant. Okay. In today's chapter, in today's lecture, what we will try to cover the overview of consumer behavior, the marketing concept, the marketing and relationships, digital technologies, societal marketing concept, and a simplified model of consumer decision making. आज के जो हमारा मेरी कोशिश होगी हमारी कि हम आज के लेक्चर में ये तमाम चीजें कवर करने की कोशिश करें और इसको कंप्लीट करें, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके जी। कंज्यूमर बिहेवियर, द बिहेवियर दैट कंज्यूमर्स डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर परचेजिंग, यूजिंग, एवेलुएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेस दैट दे एक्सपेक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। ओके, द डिफिनेशन, जो इसकी डिफिनेशन है कंज्यूमर बिहेवियर की, ये क्लियर करती है, ये डिस्क्राइब करती है कि इट इज बेसिकली ए बिहेवियर, ए ह्यूमन बिहेवियर। कंज्यूमर्स एक बिहेवियर शो करता है जब वो ही और शी परचेज समथिंग और सर्च फॉर सम प्रोडक्ट और सर्विस एंड देन यूज इट, एवेलुएट इट एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे एक्सपेक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। यानी कि वो जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है या सर्च करता है या देखता है या उसको एवेलुएट करता है या उसको इस्तेमाल करता है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को जो कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, इस ख्याल से वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो उससे पहले वो जो बिहेवियर ये या ड्यूरिंग दैट परचेज और बिफोर दैट परचेज और आफ्टर दैट परचेज जो बिहेवियर होता है, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली कंज्यूमर इज बेसिकली अ ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन इट्स नेचर, इन इट्स कंपोजिशन। तो इसलिए इस लिहाज से जो ये बिहेवियर है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना इतना इजी नहीं है, बल्कि डिफरेंट सेवरल इवन थाउजेंड फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, तभी जाके वो कोई परचेज करता है या उसका जो इंटेंशन होता है ये मतलब आइसोलेशन में नहीं होता, बल्कि डिफरेंट एक्सटर्नल, इंटरनल एंड जो उसके अपने जो फैक्टर्स होते हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है इसको समझना बहुत जरूरी है फॉर एज अ बिजनेस स्टूडेंट्स, फॉर अस, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या करना चाहें या हम मतलब कोई मार्केट में कंज्यूमर बनाना चाहें, तो हमें हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम उसकी साइकी, उनकी पर्सनैलिटी, उसकी मतलब जो जो पैटर्न होता है उसके बिहेवियर का, वी शुड अंडरस्टैंड इट। इट इज इम्पेरेटिव फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर। ओके, अब कस्टमर्स जो होते हैं वो जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या मतलब ये कि ये एक बट नेचुरल सी बात है कि वो बड़े चूजी हैं, या मतलब ये है कि वो मोर देन वन ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो ये जी कस्टमर्स जो है वो सर्च करता है, डेफिनेटली वो थारोली डिलिबरेशंस और सर्च और उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट खरीदता है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि ये फ्रूगल मैंने लिखा है, व्हाट इज फ्रूगल, ये भी थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं कि जी फ्रूगल जो है ये बेसिकली आपके सामने, इट इज फ्रूगल इंक्लूड्स ईबे लिस्टिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, सर्च बाय जिप कोड, लिंक
to Google Maps and Google Checkout, visit comparison sites like Frugal and Price Scan, etc. Okay, you can use a price comparison site like Frugal for, or you can compare prices itself. मतलब ये कि prices और purchase से related ये एक Frugal एक website है, और Google का product है, a search tool है, is another great way to find video games and other important products. Okay. Personal consumer, the individual who buys goods and services for his or her own use, for household use, for the use of a family member, or even for a friend. So it's called personal consumer. So personal consumer kya hota hai? Wo basically ek individual, ek jab ek individual goods apne liye purchase karta hai ya services apne liye avail karta hai ya his or her own use apne liye ya apne matlab ye ke private use ke liye, for household use or for the family member use or even for a friend. Matlab ye ke zati istemal ke liye jab bhi ek individual koi product khareedta hai ya service avail karta hai to wo kya kehlata hai, wo personal consumer kehlata hai. Yani ki wo further purchase uski nahi karta, just for his or her own self or for his or her own family or household or even for a friend. To ye is tarah ka jo consumer hoga wo personal consumer kehlayega. In fact, I, me and you, we all are personal consumers. Why? Because we purchase a product or services for our own self. Yani ki matlab cell phone mein kharidta hu apne liye, ya aap apne liye cell phone kharidte hain, ya wifi ka wangle jo hai wo aap kharidte hain, ya matlab ye ki even PTCL ka jo broadband service apne liye purchase karte ho personal use ke liye, for your study, for your family, theek hai. And same is the case, the computer you purchase for your own self. To ye personal consumer hota hai jo ki koi bhi product or service apne personal उसके लिए यूज कर लेता है. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स, ए बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसी और अदर इंस्टीट्यूशन, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, दैट बाइज द गुड्स, सर्विसेज एंड और इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, इसे हम बिजनेस बायर भी कह सकते हैं, इसे हम गवर्नमेंट एजेंसी भी कह सकते हैं, और अदर इंस्टीट्यूशन भी इसको हम कह सकते हैं. ओके, आसिफ ने क्वेश्चंस पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर और कस्टमर. ये इंटरचेंजेबली वी यूज दिस वर्ड, लेकिन ये है कि कस्टमर जो है इन दोनों में और कंज्यूमर में एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है. कस्टमर जो है वो इज द वन हु बाइज और परचेज ए प्रोडक्ट, और जो कस्टमर जो है वो बाय और परचेज करता है एक प्रोडक्ट को वो, लेकिन कंज्यूमर्स जो है वो जस्ट अ सेकेंड. अच्छा जी, कंज्यूमर जो है ये एक सब्जेक्टिव एज वेल एज मतलब ये है कि एक टर्म है, और कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स द सर्विस और यूज द गुड्स इज सेड टू बी अ कंज्यूमर. कस्टमर कुड बी अ कंज्यूमर एट टाइम बट नॉट ऑलवेज. और देखें जी, हम में से हर कोई कंज्यूमर है, आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूं, हम इंटरनेट का के कंज्यूमर्स हैं. लेकिन अब जब कस्टमर की बात आ जाती है तो ये उसकी ब्रांड के साथ एफिलिएशन या ब्रांड के साथ लॉयल्टी, इसका एलिमेंट आ जाता है. मेरी बात आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आप जब कहते हैं कि जी मैं PTCL का कस्टमर हूँ, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आप भी PTCL के कस्टमर हैं, आप फॉर एग्जांपल वतीन के कस्टमर हो सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल
उसके कस्टमर हो सकते हैं, ये नया टेल के कस्टमर हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि जी कंज्यूमर और कस्टमर दोनों ही एक प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं, लेकिन इनकी नेचर ऑफ यूज में जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। मतलब ये है कि कस्टमर में एक स्पेसिफिक ब्रांड के साथ अटैचमेंट, लॉयल्टी, और कंज्यूमर जो है वो एनीथिंग ही और शी कैन कंज्यूम। तो उसमें ये वो हम कह सकते हैं एक जर्नल सी टर्म है। अब एक कंपनी को की क्या कोशिश होती है कि वो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको अपना पोटेंशियल कस्टमर या अपना कस्टमर बना सके। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? तो होप थोड़ी बहुत आपकी तसल्ली या वो कुछ तशफी हो गई होगी। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर जो है उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि इट इज ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर इज जब एक बिजनेस या गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब वो परचेज करे कोई प्रोडक्ट और यूटिलाइज और यूज अ सर्विस और हैवी मशीनरी इक्विपमेंट, तो ये क्या होगा और ये किस लिए जरूरी, क्यों खर्चेस परचेज करेगा? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस की डे टू डे एक्टिविटीज और ऑपरेशंस और फंक्शंस को परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, आप एक इसके एग्जांपल में दूंगा, आप एक जनरेटर खरीदते हैं या महा का या मित्सुबिशी का या सुजुकी का, तो अब जो ये कंप्यूटर जो है, ये जनरेटर, ये आपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया तो ये आप पर्सनल कंज्यूमर हो गए। लेकिन अगर वही जनरेटर एक बैंक खरीदे, एलाइड बैंक खरीदे, एक बहुत बड़ा जनरेटर 25 kV का या मतलब 50 kV का या डिपेंड करता है, तो वो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर होगा। वो इसलिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को खरीद के उसको यूटिलाइज करके फर्दर कुछ प्रॉफिट कमाने की सोच करेगा या प्रॉफिट कमाएगा, तो इसलिए उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर कहते हैं। और दूसरी बात ये कि इन दोनों के फिर परचेज में भी काफी डिफरेंट, उसकी मैकेनिज्म मोडलिटीज में भी डिफरेंट डिफरेंस होता है और वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। और इनकी साइकी में, क्योंकि मैं अगर कंज्यूमर के लिए कोई प्रोडक्ट, पर्सनल यूज के लिए कोई प्रोडक्ट ऑफर करूंगा, सेल आउट करूंगा, तो उसके अपने मोडेलिटीज और उसके अपने मतलब ये कि टेक्निक्स होंगे। वाइल फॉर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल कंजम्पशन, ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंज्यूमर जब मैं कंसिडर करूंगा तो उसके लिए मैं फिर अपनी अलग सी स्ट्रेटेजी डेवलप करूंगा, ठीक है? और उसको इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। टुडे इज अवर फर्स्ट क्लास और एक इस किस्म का ओवरव्यू और अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के साथ, तो आगे चल के इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, गवर्नमेंट बाइंग के लिए आप देख रहे हैं, ये कुछ वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपके सामने हैं। ये दो बाहर ममालिक के हैं, मतलब एक फॉरेन कंट्रीज के हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है जब गवर्नमेंट बाइंग होती है तो उसके लिए भी देखें ये वेबसाइट जो है, ये गवर्नमेंट बाइंग के हवाले से कुछ सॉल्यूशंस या मतलब ये कि कोई उनकी हेल्प करता है बड़े लेवल पे, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स की ये हेल्प करता है, ठीक है? और ओके, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम ये पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस दैट what are the marketing concepts which are evolve from through an evolution process, and although these concepts are still working in different countries and different economic backgrounds and different areas and different geographical regions, however from evolutionary point of view the marketing concepts jo hai it was evolved from different several concepts, passing through several concepts. तो उसका जो पहला concept है, it was a production concept. Then product concept, followed by selling concept, and then marketing concept. Production concept. अगर हम देखें, if you assume, पहले तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि assume that consumers are interested primarily in product availability at low prices. Marketing objectives is product production concept में क्या objectives होते थे कि cheap, efficient production, intensive production and market expansion. देखें जी, product production concept अगर मैं देखूं, पहले तो ये होता है क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें company ये करती है कि ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी तमाम कंज्यूमर्स को एट अ वेरी लो प्राइस,
इंश्योर हो सके. चीप प्रोडक्ट, चीप प्राइस पे एफिशिएंट प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन कम प्राइस में, इंतहाई ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर पहुंची हो और मार्केट को एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस होता है. इसकी हिस्ट्री कहां से आती है? इसकी हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं तो 1880s में या मिड ऑफ 18 या 18th सेंचुरी में अगर आप देख लें तो जो मिल होता था ना फ्लोर मिल, उससे इसकी इब्तिदा बनी. चक्की का आटा लोग बड़े बड़ी मिलों में बनाते थे, वो चक्की का आटा लोग प्रोडक्शन लोग डिमांड करते थे फ्लोर की, और चक्की वाला जो है वो प्रोडक्शन मुसलसल करता था, दिन रात चलाता था और जितने भी लाखों हजारों लोगों की आबादी है उन तक आटे के बैग फ्लोर सैक्स पहुंचाता था. फिर अगर आप इसको हम देख लें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ 1700 में तो उसमें यही उसका मेन मकसद था कि अगर कपड़े की मैं एग्जांपल लूं तो क्या होता था काटन का कि जी मैक्सिमम काटन को प्रोड्यूस करो, हर एक की नीड्स के लिए और हर एक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कपड़े को प्रोड्यूस करो कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा. तो उस टाइम से ये प्रोडक्शन का कंसेप्ट आया. और मैं ये आप फर्दर भी बता दूं कि 1970s तक ये प्रोडक्शन कंसेप्ट चला, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये बड़े बड़े यूरोप और अमेरिका में ब्लू कॉलर जॉब्स आप देखते हैं ना, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मैं देखूं या अमेरिका में कैपिटलिज्म वो आया, ये क्या था इसके पीछे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाओ, हर एक के लिए बनाओ, सस्ती बनाओ. लेकिन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद फिर क्या, क्योंकि इसके भी अपने डिमेरिट्स थे, अपने लिमिटेशंस थी, प्रोडक्शन पे कॉस्ट ज्यादा आना शुरू हुआ, इसके में मतलब ये है कि कस्टमर्स की नीड्स और लाइकनेस को इतना ज्यादा नहीं रखा गया और प्रोडक्शन पे ही फोकस किया गया. तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया, उसे कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. According to the product concept, it assumes that consumers will buy the product that offers them the highest quality, the best performance and the most features. Product concept mein kya hota tha? इसमें ये एज्यूम होता था अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट दैट कंज्यूमर्स विल बाय द प्रोडक्ट दैट ऑफर्स देम द हाईएस्ट क्वालिटी. क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी हो, अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हो और उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हो प्रोडक्ट में. ओके, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स या मतलब उसके मार्केटिंग, वो मतलब ये कि इसकी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स एज अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या थे, वो ये थे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एडिशन ऑफ फीचर्स, टेंडेंसी टुवर्ड मार्केटिंग मायोपिया, ये इसका एक डिमेरिट होता था, मार्केटिंग मायोपिया उसकी तरफ बात चली जाती थी. तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स में क्या होता था कि जी अच्छा प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, लेकिन और नई नई फीचर्स, और मतलब ये कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते थे इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के, कि जी क्वालिटी इम्प्रूव हो और फीचर्स बहुत ज्यादा इनहेंस हो. लेकिन इसमें मसला फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आया केस में मार्केटिंग मायोपिया का इशू आ गया. मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ माजी की, अपने मुल्क से और बाहर की दुनिया से. अगर आप देख लें एक जमाने में ये एक प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक कार्स का, पहले एक आया था इस तरह मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक्स में, या इस तरह एक सोनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था कि कंप्यूटर भी था और LCD टेलीविजन भी था, दोनों फंक्शंस करता था उस टाइम में. तो ये एक नया मतलब आल्दो आजकल भी है टेलीविजन और मतलब LCDs आए हैं सोनी के काफी इम्प्रूव और मुख्तलिफ पैनासोनिक के बड़े अच्छे. लेकिन जब फर्स्ट टाइम सोनी ने ये कंसेप्ट दिया कि जी इसमें टेलीविजन भी होगा और टीवी की खसूसियात भी होगी टेलीविजन की और इंटरनेट और कंप्यूटर की भी, तो ये एक इतना अपीलिंग नहीं था. Although it was innovative product, best quality, outclass performance, having a lot of features, new features, innovative features. लेकिन problem क्या थी कि ये customers की need को या cater नहीं करता था, या customers इसको understand नहीं करते थे, या customer की psyche के मुताबिक ये उनको पसंद नहीं आया. उसमें बड़े issues किया जी ये computer है या ये TV है या ये इसको मैं कैसे use करूँगा. और फिर क्या हुआ इस तरह मतलब ये कि मुख्तलिफ और किस्म के प्रोडक्ट्स, देखें जी
निसान का एक प्रोडक्ट था, ठीक है, निसान की जो गाड़ियां थी वो बड़ी उसमें बड़े मतलब फीचर्स थे। शेराड की मैं एग्जांपल दे दूं, शेराड गाड़ी को अगर मैं देख लूं प्रोडक्ट कंसेप्ट के ऊपर फिक्स करूं, तो ये बड़ी एक तो जापानीज प्रोडक्ट, मजबूत क्वालिटी, एयर कंडीशन, सब चीजें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि शेराड का इंजन गर्म होता था, मतलब ये कि ये कैटर नहीं कर सका हमारी नीड्स को, पाकिस्तान की नीड्स। पाकिस्तान में शेराड की इतनी मार्केट नहीं आई, क्योंकि इसके ऊपर जो जो मैकेनिक्स था उनका फीडबैक ये था कि जी ये हिस्से में काम ज्यादा पैदा, बार बार इसका हिस्सा बड़ा कमजोर। शेराड के बारे में कि इसका हिस्सा कमजोर है। इस तरह अगर मैं देख लूँ पोटोहार जीप, उसके बारे में भी यही था कि इसका हिस्सा कमजोर, इंजन गिर जाता था। अब ये प्रोडक्ट तो अपने टाइम के बड़े इनोवेटिव थे, उसमें बड़ी मतलब न्यू फीचर्स थी। इस तरह मतलब आप देख लें सुजुकी लियाना मार्केट से आउट, बलिनो, उसकी इतनी डिमांड नहीं, सुजुकी बलिनो कितना अच्छा शेप, लेकिन फिर भी वो अपीलिंग नहीं था। इस तरह मतलब ये कि मिट्सुबिशी की मैं एग्जांपल दे दूं, तो मिट्सुबिशी का भी हिस्से में बड़ा काम, या स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंसिव, या कोई और इस तरह मैकेनिकल मतलब ये कि इनोवेटिव फीचर्स थे, लेकिन साथ में वो लोगों की नीड्स को कैटर ना कर सके। अब देखें एक प्रोडक्ट है और उसकी मतलब ये कि उतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स पर उसके जो फीचर्स हैं जिसपे मैकेनिक कंसिडर नहीं कर सकता, तो आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक सेगमेंट के लिए तो प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन फिर उसको आप ज्यादा और मैक्सिमम और मार्केट शेयर और फिर इन चीजों की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें फिर एक इशू आ गया मार्केटिंग मायोपिया का। मार्केटिंग मायोपिया क्या है, कोई बता सकता है? चले मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ। मार्केटिंग मायोपिया फिर ये है कि जब आप एज अ मार्केटियर शॉर्ट टर्म मार्केटिंग गोल्स पे फोकस करो और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप या कस्टमर के ऊपर इसका इम्पैक्ट, या प्रोडक्ट का इम्पैक्ट, या उसकी रेपुटेशन, या मतलब ये कि कस्टमर की लाइकनेस डिसलाइकनेस को आप इग्नोर कर दो, तो ये मार्केटिंग मायोपिया है। एक अच्छे मार्केटियर ने बड़े प्यारे अंदाज में इस मार्केटिंग मायोपिया को बताया है, एक्सप्लेन किया है कि जी अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटियर की जो सोच है वो उसका जो होता है ना अपना एक चाइल्ड, लीगल चाइल्ड वो बन जाता है, इतना केयर और इतना पैम्पर रखता है अपनी सोच को। और जो कस्टमर की नीड्स है वो मार्केटियर जो है उसको स्टेप चाइल्ड के तौर पे रखता है कि जी सौतेले उसकी उसकी रिक्वायरमेंट्स को वो सौतेले बेटे या बेटी की तौर पे ड्रिल करता है। मतलब ये है कि वो कहता है कि जी मार्केटिंग मायोपिया का शिकार मार्केटियर कहता है कि जी मेरे आइडियाज, मेरी थिंकिंग्स, मेरा व्यूज इज बेस्ट, इज परफेक्ट, व्हाइल द नीड्स, द मूड, द सजेशंस और द फीडबैक ऑफ कस्टमर्स हैव नो वैल्यू। तो इसलिए ये एक दूसरा इश्यू आ जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। सेलिंग कॉन्सेप्ट, इट एज्यूम्स दैट कंज्यूमर्स आर अनलाइकली टू बाय अ प्रोडक्ट अनलेस दे आर एग्रेसिवली परसुएडेड टू डू सो। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सेल सेल एंड सेल, लैक ऑफ कंसर्न फॉर कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। देखें सेलिंग कंसेप्ट इनसाइड आउट अप्रोच है। आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और फिर आप तमाम तवानाइयां उस पे यूटिलाइज करते हो कि वो सेल आउट हो जाए, वो प्रोडक्ट कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करता होगा या नहीं करता होगा, कस्टमर को पसंद होगा या नहीं होगा, कस्टमर के टेस्ट, मूड, साइकी के मुताबिक होगा या नहीं होगा। मार्केटियर या मतलब कंपनी जिसने प्रोडक्ट बनाई है वो उसको डैम केयर करता है कि एक कस्टमर उसको कितना लाइक करता है या अनलाइक करता है, लेकिन उसकी पूरी फोकस किस पे होती है? एग्रेसिव सेलिंग पर, परसुएशन पर, सेल सेल एंड सेल, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कस्टमर की नीड्स और सेटिस्फेक्शन के लिए लैक ऑफ कंसर्न होती है। आप देखते हैं आपके घर के सामने सर्फ वाले आते हैं, कितनी लाहौर में कंपनियां हैं जो कि सल सर्फ बनाती हैं। सर्फ मींस डिटर्जेंट, सर्फ एक जेनेरिक नाम बन गया है, डिटर्जेंट कितनी ज्यादा बनाती हैं और उसको मुख्तलिफ पैकिंग्स में ले जाके वही प्रोडक्ट जो है कंपनी जो है डोर टू डोर जाती है, लोगों के ऊपर सेल आउट करती है। इवन मैं अगर आप देख लूं आजकल की उसमें अगर मैं देख लूं वो तो मार्केटिंग क्या कहते हैं और सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन आप देख रहे हैं कि जी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने अपने आप को इतना मॉडिफाई नहीं किया। उनकी फोकस किस पे होती है कि बस आप पॉलिसी ले लो, सेल इट आउट। लेकिन पाक तकाफुल को आप देख लो,
या जुबली इंश्योरेंस को देख लो, या आदम जो अपने आप को बड़ा मॉडिफाई कस्टमर की नीड्स के मुताबिक, और इन्होंने दाऊद तकाफुल, यस दाऊद तकाफुल, पाक तकाफुल की माने दाऊद तकाफुल ने बहुत ज्यादा मार्केट को शेयर कर, शेयर जो है मार्केट का कैप्चर कर लिया। इसके अलावा मैं अगर आप देख लें तो एक मिजान बैंक ने भी अपना एक पता नहीं एक प्रोडक्ट बनाया जमा पूंजी है कि इस तरह कुछ, इस तरह सेविंग के हवाले से एक कमेटी एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो अभी एक कस्टमर की नीड्स को पूरा करता है। ओके, तो सेलिंग में ज्यादा फोकस किस पे होता है? सेलिंग में ज्यादा फोकस प्रोडक्ट पे होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट? मार्केटिंग कंसेप्ट ये आउटसाइड इन अप्रोच है, लोगों की नीड्स को असेस करना, लोगों के मूड्स को देखना, मार्केट के ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर स्टडी करना, मुख्तलिफ साइंटिफिक टेक्निक इस्तेमाल करके कस्टमर्स की नबस को चेक करना, उनकी नीड्स को देखना, सेटिस्फेक्शन के लेवल को चेक करना, कंपिटिटर 360 डिग्री की एवेल्युएशन मार्केट की करना, रिसर्च करना, उसके बाद एक प्रोडक्ट या उसके बाद एक वैल्यू क्रिएट करना फॉर द कस्टमर, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मेक व्हाट यू कैन सेल एंड फोकस ऑन बायर्स नीड्स। आप देखें ना, मेक व्हाट यू कैन सेल, वो चीज बनाओ जो कि सेल हो सके। और वो चीज कैसे बनेगी जो कि सेल हो सके? वो तभी बनेगी जब लोगों की मर्जी के मुताबिक हो। अगर लोगों की मर्जी के मुताबिक एक प्रोडक्ट हो ही ना तो वो क्या बनेगा? वो नहीं बन सकता। एनीवे, इसमें तमाम फोकस किस पे होता है? इस पे फोकस इस पे होता है कि आप एक प्रोडक्ट को लोगों की नीड्स के मुताबिक बनाओ, टारगेट मार्केट के मुताबिक बनाओ और फिर उसको सेल आउट करो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स सो मेनी हमारे साथ हैं। आजकल का एरा तो प्योरली मार्केटिंग एरा है। सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो 50s 80s 60s यहां पे एक कंपनी में सेलिंग मैनेजर जो था या सेल्स मैनेजर, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे था। इंश्योरेंस में आप देखते हैं सेल्स मैनेजर प्रॉपर नाम था, सेल्स मैनेजर। और आजकल के नाम्स कैसे हैं आप देखते हैं? आजकल तकाफुल कंसल्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो अभी इस तरह के नाम आ गए हैं। क्यों? ताकि कस्टमर की नीड्स और कस्टमर को प्रायोरिटी, कस्टमर पे फोकस ज्यादा होता है। जी अच्छा जी, डिस्कशन क्वेश्चन अपने साथ नोट कर लो, ये आपके काम आएगा। अगर इफ यू कैन आंसर नाउ, फोरम इज ओपन फॉर यू, बट इफ यू वांट टू आंसर इट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, इट्स ओके। व्हाट टू कंपनीज डू यू बिलीव ग्रेस्प एंड यूज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? जिस तरह मैंने कुछ नाम दिए, आपके ख्याल में ऐसे दो नाम कंपनियों के नाम बताएं जो कि जिन्होंने आउट ऑफ द फोर कॉन्सेप्ट्स उन्होंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प किया और इसको यूज किया। Why do you believe this? और आपके ख्याल में क्यों ये मार्केटिंग कंसेप्ट उन्होंने अडॉप्ट किया, या आपके ख्याल में ये मार्केटिंग कंसेप्ट है जो उन कंपनियों ने अडॉप्ट किया? इसके ऊपर भी आपकी इनपुट चाहिए होगी। ओके, मार्केटिंग कंसेप्ट, इसमें क्या क्या होता है? इसमें तीन चार चीजें होती हैं। कंज्यूमर के ऊपर रिसर्च किया जाता है, सेगमेंटेशन की जाती है, टारगेट किया जाता है या टारगेटिंग की जाती है, एंड फाइनली कस्टमर की पोजीशनिंग की जाती है। और इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में भी और ब्रीफली भी यहां पे भी पढ़ेंगे। द प्रोसेस एंड टूल्स यूज्ड टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? द प्रोसेस एंड टूल्स यूज्ड टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। जब मैं कंज्यूमर रिसर्च क्यों करता हूं? ताकि मैं देखूं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर क्या पसंद करता है, कंज्यूमर की पर्सनालिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल उसकी एफिलिएशन क्या है, उसकी साइकी क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। तो इसके लिए मुझे रिसर्च करना होगी, एंड दिस कॉल्ड कंज्यूमर रिसर्च। टू पर्सपेक्टिव्स को, दो पर्सपेक्टिव्स हैं, इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। पॉजिटिविज्म अप्रोच एंड इंटरप्रेटिविज्म अप्रोच, ये थोड़ा सा मैं बता दूं। यानी कि पॉजिटिविज्म अप्रोच, चूंकि ये
पॉजिटिविज्म फिलोसफी सी है, जो कंज्यूमर जो रियलिटी है या जो डेटा है उसी को मुताबिक उसको उठाना और उसके ऊपर काम करना। इंटरप्रेटिज्म थोड़ा सा वो क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ चला जाता है, यानी कि आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस वगैरह, क्योंकि रिसर्च की बात है तो इसीलिए इसमें ऐड कर दिया गया है। यानी कि आप प्योर क्वांटिटेटिव टेक्निक से डेटा ले लेते हो, जर्नलाइज कर लेते हो, दूसरा आप अपनी परसेप्शन, अपनी ओपिनियन और वो भी इसमें ऐड कर लेते हो। लेकिन इसको सिर्फ इतने हद तक समझें, ये फिर इंशाल्लाह जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं कंज्यूमर रिसर्च, ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं, आपको बताया जा सके कि जी एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर रिसर्च, ये आप देख रहे हैं कि जी बाकायदा आजकल की दुनिया में अमेरिका में तो बड़े एडवांस लेवल पे मार्केटिंग एसोसिएशन है, कंज्यूमर हर एक चीज़ का रिसर्च होता है। इवन आजकल तो ये चीज़ आपके जो फीडबैक गूगल सर्वे ये वेबसाइट से आपसे बाकायदा आपका डेटा रखते हैं, गूगल तो आपका डेटा बेचता है और आपसे इंटरव्यू या क्वेश्चंस या प्रोडक्ट के बेस पर आपकी मतलब ये बाकायदा एक किस्म की डेटा कलेक्ट करता है, कि रिकॉर्ड आपका मेंटेन करता है और उसी के बेस पे आपके परचेजिंग पैटर्न को देखता है और आपकी नीड्स को फिर उसी के मुताबिक डेवलप करने की कोशिश करता है। ओके, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जब है मार्केट को मैं मुख्तलिफ हिस्सों में या सबसेट्स में या सब पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, और किस बेस पे डिवाइड करता हूं, कंज्यूमर नीड्स पे, कंज्यूमर करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे मैं जब उसकी डिवीजन करता हूं, सेगमेंट करता हूं, तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। मतलब ये है कि मैं सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर नीड्स करता हूं, कि मैं एक खास कस्ट कंज्यूमर्स को एक ग्रुप या मैं ग्रुपिंग कर देता हूं कि जी ये इनकी नीड्स क्या है, ये बच्चे हैं या ये जवान हैं या बूढ़े हैं या स्पोर्ट्समैन हैं या जॉब हाउस जॉब वाले हैं या हाउसवाइफ हैं, या मतलब ये कि ये इंजीनियर्स हैं, तो भी मतलब डिपेंड करते हैं उनकी नीड्स, वो प्रोफेशन भी हो सकता है, वो नीड्स उनकी मतलब ये कि परचेजिंग पावर से रिलेटेड उनकी कोई नीड्स हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है या उनकी पर्सनैलिटी या कुछ भी, कि वो सेगमेंटेशन में किस बेस पे करता हूँ। देखिए ये बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स में सेगमेंटेशन अगर करूं तो आप देखते हैं कि जी फुटबॉल की एक सेगमेंटेशन का एक वो दिया है और दूसरा जो है बेसबॉल। देखें ये बेसबॉल आप देख रहे हैं कि जी एक साइड पे बेसबॉल और एक साइड पे फुटबॉल जो है, ये क्या कहते हैं वॉलीबॉल, इसकी बेस पे बताया कि जी जब हम सेगमेंटेशन करते हैं, चाहे वो मैगजीन है स्पोर्ट्स लवर के लिए या कोई प्रोडक्ट है या जो कुछ भी है, ऑन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स वो सेगमेंटेशन हो सकती है। इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स इन विच वी कैन सी दैट हाउ अ कंपनी अ मार्केटियर सेगमेंट अ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक नीड्स। डिस्कशन क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, व्हाट प्रोडक्ट्स दैट यू रेगुलरली परचेज आर हाईली सेगमेंटेड, जरा इसके ऊपर गौर करें, और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट। तो आप इसको जरा एज असाइनमेंट भी ले लें, आप इसको जरा एक वॉलंटरली असाइनमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप रेगुलरली परचेज करते हैं लेकिन आपके ख्याल में ये बड़े सेगमेंटेड हैं या किसी बेस पे सेगमेंटेशन हुई है। व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट्स, वो आप बता दें, ये भी आप देख लें। व्हाई इज सेगमेंटेशन यूजफुल टू द मार्केटियर्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टारगेटिंग मार्केटिंग कंसेप्ट का एक वो है से रिलेटेड, द सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द सेगमेंट्स टू परस्यू। टारगेट ऑडियंस जो आप टारगेट करते हो उसके ऊपर अपनी एनर्जीज रिसोर्सेज मार्केटिंग मिक्स तमाम मार्केटिंग कंपेन इसके ऊपर अपने तमाम रिसोर्सेज फोकस करते हो तो उसे क्या कहते हैं, टारगेटिंग। You target a specific market. अब आप students को target करते हो या housewife को, अब Ariel ने किसको target किया, Ariel ने housewife को target किया, आप देखते हैं मेरी बात आप समझ रहे हो। Honda ने
यूथ को टारगेट किया, और हाँ जो स्मॉल बिजनेस वाले थे। लेकिन अब फिर इसमें भी आप एक दूसरी चीज आप देख लें, मैं अगर यूनाइटेड बाइक्स